यार आप सभी का अभिनंदन। और आज आप शुरू कर रहे हैं अपन समास की एमसीक्यू महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सार गर्भित अध्ययन आपके सामने पेश कर रहा हूं। चलिएगा तो हो जाइएगा आप सब तैयार, ताकि अब क्लासेज जो है आप अच्छे से देख सकें, मैनेज कर सकें। और सभी लोग आप जुड़ चुके हैं, नितेश मैया, अमित स्वाति, स्वाति जी ने ज्वाइन किया है, अमित शर्मा जी, एडली सरकार, साधना सरस्वत, एस जदी मैक्स, धीरज परेशर, मधु कुमारी, ललिता गौतम, गुंजन शर्मा, सुमन सुमन जाट, साधना, अवधेश कुमार, गजराज जी, जी आप सभी का अभिनंदन। वेदिका जुड़ गई हैं हमसे। और उसके अलावा सुनील मालव, सुनील मालव जी, सिमरन अरोड़ा जी जुड़ी हैं, सौम्या सैनी जी, वासी हैदर जी, वीरेंद्र कुमार, अमित विश्नोई। चलिए आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला है, उसके लिए आभार, अभिनंदन। विनय गुप्ता जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। आज जो हमको पढ़ना है, प्रियंका शर्मा जी जुड़ गई हैं, गीता चौधरी आ गई हैं, दिव्या राणा जुड़ गई हैं, इसके अलावा आशिता, ललिता और अभी बहुत सारे लोग जुड़ने हैं। बस क्लास स्टार्ट करिए ना, तो अभी तेजी से सब लोग जुड़ जाएंगे। और अभी द रॉक स्टार सुनील मालव, दिनेश चौधरी, सभी जो है साथी यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और आज जो टॉपिक है, प्रमिला कसाड़िया जुड़ गई हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है मित्रों, उस पर आते हैं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, और वो टॉपिक है आज समास का। तो चलिए तैयार हो जाइएगा। प्रियंका जाट जी स्वागत आपका, अभिनंदन। समास के पिछले पेपर्स के हल के बारे में बात करेंगे आपसे आज पुनः। सौम्या सैनी जी कह रही है गुरु जी आप अनएकेडमी पर भी पढ़ाने लग गए आज, पता चला, बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़ना। थैंक यू सौम्या। चलिए, अच्छा मिशन में पढ़े थे मेरे से ऐसा आप लिख रही हैं, धन्यवाद। राजीव दीक्षित, अंजू आ चुके हैं, शालिनी जुड़ चुकी हैं। सभी प्रश्न जो है आपके सामने आएंगे वन बाय वन, सही जवाब आपको देना है। कोई भी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं लिखे, ये याद रखें। एक और सूचना इससे पहले आपको दे रहा हूं, आप सभी विद्यार्थी चूंकि आ चुके हैं, एक खास सूचना आपको और दे रहा हूं, वो ये है कि हम लोगों का एक कोर्स वर्तमान में चल रहा है, और वो कोर्स जो है उसका नाम है रीट का लेवल वन का कोर्स है, दिशा के नाम से चल रहा है। मुकेश कोहली, मीना सरस्वत, मंचिता जुड़ गई हैं। चलिए तो ये कोर्स है लेवल वन के लिए, 28 सितंबर शुरू हुआ है, 5 दिसंबर तक चलेगा। संस्कृत संगीता पालीवास जी, शबलू जी जो है साइको, गोविंद राम सैनी जी, वीएस, ज्योति नागपाल जी इंग्लिश, मोहम्मद रिजवान साहब उर्दू, और मैं एक कुछ मानव शर्मा हिंदी का आपसे अध्यापन कार्य करवाऊंगा। तो चलिए, ललेश शाश्वत जी लिख रहे हैं कि मिशन में आपकी वजह से एक भी छुट्टी नहीं होती थी। अच्छा, आपने छुट्टी ली नहीं थी, कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है। सेकंड लेवल का भी चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अपन अपनी बातों पर, और आपके सामने ये पीडीएफ आ चुका है। तो चलिएगा, तैयार हैं आप सभी, रेखा शाश्वत जी, चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चक्र पाणी दर्शनार्थ शब्द में समास है। गौर से सुनना, पूरे शब्द का नाम है चक्र पाणी दर्शनार्थ, ये पूरा एक ही शब्द है। ओके, आपको बताना है इस शब्द में समास कौन सा है। तत्पुरुष है, अभिभावे, बहुव्रीही है, द्वंद समास है। ओके, चार ऑप्शन है आपके सामने, सही जवाब बताइएगा। चार ऑप्शन है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और द्वंद। चक्रपाणि दर्शनार्थ शब्द है, चक्रपाणि दर्शनार्थ क्या होगा सही आंसर, आपके सामने पूछ रहा हूं आपसे, और ये आ रहा है पोल। जवाब देने को तैयार हैं आप सभी? तो चलिए शुरुआत हो चुकी है, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, चक्रपाणि दर्शनार्थ शब्द में समास कौन सा है। शालिनी शर्मा जी चलिएगा, डिंपल तिवारी के लिए वॉइस नहीं आ रही है, क्या ये सही है? डिंपल जी कह रही है कि आवाज नहीं आ रही है, क्या ये सही है? आवाज तो आनी चाहिए, आवाज क्लियर है जी? क्लियर है, चलिए चलिए चलिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने, और ये रहा पोल, दीजिएगा सही जवाब।
पहला प्रश्न और जवाब आया सबसे पहले वीरेंद्र कुमार का, उसके बाद नीलम शर्मा, मुकेश कोहली, शालिनी, जितेश जाखड़ के जवाब अब तक आ चुके हैं। देखना है यहां पर दीपिका वशिष्ठ जुड़ गई हैं। लिखना कुछ भी नहीं है यहां पर, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, सीधे पोल में जवाब दीजिएगा। बहुत आसान नहीं है यहां पर, जो भी टॉपर होता है वो मैं कहता हूं आरपीएससी टॉपर होगा, इसलिए तैयार रहिएगा, सही जवाब आपका होना चाहिए। राजेश यादव हमारे पुराने विद्यार्थी आ गए हैं। चलिए, और ये रहा ओवरऑल अपडेट। वीरेंद्र कुमार एक नंबर पर है, नीलम शर्मा जी दूसरे पर हैं और मुकेश कोहली तीसरे नंबर पर है, शालिनी शर्मा चौथे पे, जितेश जाखड़ पांचवे पे, विनय कुमार छठवें पे और सुनील मालव सातवें नंबर पर है। पता चल रहा है आपको? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे पोल गलत हो गया, ऐसा आप सोच रहे होंगे, जानकारी के लिए बता देता हूं पोल सही है। रुक्मणी डूडी जुड़ गई है, और जो जिन लोगों को लगता है कि समाज तो कुछ नहीं है मेरे पे आता है, जिनको मालूम है कि आसान है, आज पता चल जाएगा। इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसमें से केवल 7 लोगों का सही जवाब है। सोच लो आप, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, कैसे टीचर से पढ़े हो, कहाँ आपको पढ़ना चाहिए था, कहाँ पढ़ लिए, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे तो अच्छी है जात उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। भेदभाव की राजनीति पे आ गए, फला टीचर अच्छा है, फला बुरा है, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए था, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए और यहां पर गलती हुई है। चलिए, वीरेंद्र कुमार का सही जवाब है, टॉप पर बने हुए हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं कहानी क्या है। चलिए, चक्रपाणी दर्शनार्थ आपके सामने शब्द था, और चक्रपाणी दर्शनार्थ में देखिए, चक्रपाणी प्लस दर्शनार्थ, ये 2 शब्द यहां पर हैं। चक्रपाणी का मतलब विष्णु का है, ओके, और दर्शनार्थ का मतलब विष्णु के दर्शन के लिए। तो कोई व्यक्ति विष्णु के दर्शन के लिए आया। अब अगर चक्रपाणी अकेला ही शब्द होता तो ये सीधा सीधा बहुब्रीहि होता, क्योंकि चक्रपाणी का मतलब चक्र है, पाणी में जिसके जिसके हाथ में चक्र है वो विष्णु है, इसलिए यहां पे बहुब्रीहि समास होता। लेकिन यहां पे देखिए अर्थ लगा हुआ है, अर्थ दर्शनार्थ के लिए। ये अर्थ क्या है? अव्यय है। ये अर्थ क्या है? अव्यय है। आप लोग केवल इतना ही जानते हैं कि आगे लगता है वो उपसर्ग होता है, उपसर्ग अव्यय होता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे विद्यार्थी जानते हैं, जो लोग प्लस में पढ़े हैं वो जानते हैं मेरे से कि अव्यय का प्रयोग पीछे भी होता है, और ये अव्यय यहां पर अर्थ जो है अव्यय के रूप में है, इसलिए समास कौन सा हुआ यहां पर? अव्यय भाव। समझ में आया? दिव्या राणा जी कह रही है कि हमारी रियलिटी दिखा दी आपने, रियलिटी यही है दिव्या जी। आप लोग क्या है कि आप लोग, आपसे मैं बात करूं ना अगर कि अव्यय भाव क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? सीधे सीधे उपसर्ग है तो वो अव्यय भाव है, आप ये कहोगे। यहाँ पे देखो कोई उपसर्ग नहीं है, अव्यय लगा, अर्थ लगा हुआ है पीछे, उसके बावजूद भी अव्यय भाव समास है। तो ये चीज आपको सीखनी चाहिए थी। लेकिन जितेश जागड़ कह रहा है कि हम तो जानते हैं, मिशन में पढ़े हैं। चलिए, आप जानते हैं तो अच्छी बात है बेटा, सबको भी बताना जरूरी है। सिमरन धन्यवाद आपका, रामनिवास गोदारा जी जुड़ गए हैं, सभी के समझ में आ गया भैया अर्थ का मतलब के लिए होता है। अब चाहे चक्रपाणी है तो दर्शनार्थ होता, विष्णु है इसकी जगह लक्ष्मी होता तो दर्शनार्थ होता, अर्थ पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अव्यय है, ओके। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पे हो चुका है प्रियंका जाट जी, और अब जो है दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा दूसरे प्रश्न के लिए। अभी तक वीरेंद्र कुमार नंबर 1 पर बने हुए हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, सरिता स्वामी जी जुड़ गई हैं, तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये रहा प्रश्न, सही समास विग्रह है, रसोई घर, रसोई का घर, सभा पंडित, सभा का पंडित, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, यज्ञशाला, यज्ञ की शाला। समीर जी जुड़े हैं, समीर जी स्वागत है आपका, जवाब देना है आपको, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सही जवाब आपको जो है टॉप पर पहुंचाएगा। वीरेंद्र कुमार अभी तक नंबर 1 पर बने हुए हैं, अच्छा जवाब उन्होंने दिया। पहला प्रश्न जिस पे ज्यादातर लोगों के आंसर गलत थे, वहां पे वीरेंद्र कुमार ने तेजी से बाजी मारी, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, दूसरा प्रश्न है। अब आपको बताना है आखिर सही जवाब क्या होगा। संतोष कंवर जी जुड़ गई हैं, स्वागत है संतोष जी, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मुझे बताइएगा कि आखिर क्या होगा इसका सही आंसर, ओके।
और ये रहा आपके सामने पोल। पूनम जी जवाब दीजिए, अल्लादीन साहब जवाब दीजिए, अनिता कुमारी गजराज, अवधेश कुमार, दिव्या राणा, सालिनी, राजीव दीक्षित, ललिता गौतम, सिमरन अरोड़ा जी के सही जवाब है। ओहो संतोष कंवर जी आई हैं और स्वागत है, और अच्छा जवाब आपका। चलिएगा विनय गुप्ता, नीलम शर्मा, दीपिका वशिष्ठ, इन सबके भी सही जवाब है। चलिएगा तो कहानी क्या है देखते हैं। अनिता जुड़ गई हैं, अनिता जी स्वागत है आपका, और ओवरऑल अपडेट देखते हैं आखिर कौन है अभी तक नंबर वन पर। और ये देखिए बदलाव हुआ इस बार, शालिनी शर्मा जी बधाई आपको, पहले स्थान पर पहुंच गई है, बहुत अच्छा प्रयास आपका, आज ही जुड़ी है मुझे लगता है। अन्नु पायलट जुड़ गई है इसी बीच, और मैं भी बताता हूं सुनील मालव साहब, नीलम जी दूसरे पर हैं, दीपिका वशिष्ठ तीसरे पर हैं, शालिनी जी बधाई आपको, स्वागत अभिनंदन आपका, मुझे लगता है आज आप आज ही जुड़ी हैं और आते ही आपने कमाल किया है। तो चलिएगा गुंजन शर्मा यहां पर, गुंजन शर्मा यहां पर कौन से नंबर पर है जी, चौथे पर है, ये बहुत तेजी से जवाब देती है। धीरज पाराशर पांचवें पे, साधना 700 छठवें पे, मधु कुमारी सातवें पे, राजेश यादव आठवें पे, डिंपल तिवारी नौवें पे और रामनिवास दसवें पर है। याद रखिएगा ये डिंपल तिवारी हमारे पहले टॉपर रह चुकी है, विजेता रह चुकी है, और उसके अलावा शायद सेकंड रही थी प्रमिला कसाड़े जीती थी उस दिन। ओके चलिए कामाक्षी शेखावत जी जुड़ चुकी हैं, सोना बलसर जी जुड़ चुकी हैं और सवाई ने ज्वाइन किया है। चलिएगा आप सभी का अभिनंदन, देखते हैं कहानी क्या थी। रसोई घर इसका मतलब क्या होता है, रसोई घर का मतलब है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। सभा पंडित है मतलब सभा में पंडित, मंत्रियों की परिषद ये सही है, और यज्ञशाला का मतलब है यज्ञ के लिए शाला। ये याद रखिए घर आलय साला ये सब की सब संप्रदान कारक का रूप होता है, तो यहाँ पर ये गलत था, सभा में पंडित यहाँ पे जो है ना ये अधिकरण होना था, ये अधिकरण तत्पुरुष था, ये संप्रदान तत्पुरुष था, ये संप्रदान तत्पुरुष था, लेकिन ये गलत लिखे गए, के लिए में और के लिए की जगह का की लगाया गया, जबकि का की के का प्रयोग संबंध तत्पुरुष में होता है, और संबंध तत्पुरुष ये है मंत्रियों की परिषद। मालव साहब थोड़ा सुनिए इसको, क्यूटिकल आ चुकी है हमारे बीच, और वीतावाड़ तावाड़ ओहो पता नहीं साहब क्या नाम है, लेकिन आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आप पधारे हैं हमारे शो में। और बात इसी है कि जो जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की परिषद होती है। सुनील मालव जी यहाँ पे लिख रहे थे साहब मंत्रियों के लिए परिषद नहीं हो सकती क्या, तो नहीं सुनील जी, परिषद तो जनता के लिए, मंत्रियों के लिए नहीं है, परिषद तो जनता के लिए है, लेकिन वो मंत्रियों की है क्योंकि उसमें मंत्रियों के अलावा और कोई एंट्री नहीं कर सकता। ओके तो चलिएगा दो प्रश्न यहां पर हो चुके हैं, दो प्रश्न यहां पर हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, समझ में आ गया ना, ये क्लियर है मंत्रियों की परिषद यहां पर आंसर हुआ, इसके तीन यहां पर था, दूसरा प्रश्न हो चुका है, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। नहीं सभा के लिए पंडित नहीं होता, सभा में जो पंडित होता है वो होता है, सभा के लिए नहीं होता, ठीक है। चलिएगा इंदिरा जी जुड़ गई हैं, लेकिन आप कैसे भी करेंगे तो भी संबंधित पुरुष तो वहां पे नहीं है ना, तो ये आपका आंसर तो गलत है प्रियंका जी। चलिए चलिए अमित विश्नोई जी, ओके प्रियंका जी के क्लियर हो चुका है। तीसरा प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइएगा, मानव शर्मा का रंग है ये, अनएकेडमी का मंच है, मजेदार अनुभव आप लेने वाले हैं, समास क्या होता है सीखने वाले गजब तरीके से, बस अपने आप में तैयार रहो। मुझे मालूम है सभी लोग पढ़ने वाले नहीं है, सभी जवाब भी नहीं देंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए काम करता हूं जिनके माँ जिनके भाई जिनके परिवार की बेटी जिनके परिवार की कोई न कोई ऐसी दुखी जो है लेडी या पुरुष, उसके दुख को मिटने का जिसके अंदर एहसास है वो हमारे साथ है, साथ सबना चल सकेंगे। रघुवंशी कुमार रघुवंशी ने कहा कि साथ सबना चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं, पर किसी की आंख का आंसू, वो आंसू माँ बहन भाई छोटे भाई किसी का भी हो सकता है,
साथ सब ना चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रस्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं, पर किसी की आंख का आंसू जो अपनी आंख से खुद बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ बेशक लौट जाए। चलिए स्वागत आप सभी का, तीसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, करण तत्पुरुष समास है, रेखांकित, पुत्र प्रेम, रोग मुक्त, देश निकाला। चलिएगा, करण तत्पुरुष आपको बताना है, सोनू सोना जी जुड़ गए हैं, करण तत्पुरुष आपको बताना है, रेखांकित, पुत्र प्रेम, रोग मुक्त, देश निकाला, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब आपको यहां पर आगे निकालेगा, पहले रैंक पर आपको पता है पहले प्रश्न में बीरेन जी टॉप पर थे और दूसरे पे शालिनी शर्मा इस समय ताज पर हैं। तो चलिएगा, कोई कर पाएगा शालिनी को बीट या बनी रहेंगी तीसरी रैंक, तीसरे प्रश्न के बावजूद फर्स्ट रैंक पर, देखना होगा। करण तत्पुरुष समास है, रेखांकित, पुत्र प्रेम, रोग मुक्त, देश निकाला, जवाब दीजिएगा। पोल आ रहा है आपके सामने और ये रहा तीसरे प्रश्न का पोल। दिव्या संध्या यदि मैं सोनू अवधेश प्रमिला सबाई विनय गुप्ता, दीपिका मेघवाल जी जुड़ गई हैं, स्वागत है दीपिका जी। दो प्रश्न निकल चुके हैं, माफी चाहते हैं इस बात के लिए, 6:30 से क्लास स्टार्ट होती है स्पेशल की। और यहां पर पूनम कुमारी तावड़ जी, देखते हैं ओवरऑल अपडेट क्या है साहब, अभी कहानी किस तरफ जा रही है। और यहां देखिएगा, बधाई, अभी शालिनी जी बनी हुई है नंबर एक पर, डिंपल तिवारी दूसरे पे आ गई है और अनीता कुमारी तीसरे पे आ गई है। ये है बेटियों का जलवा। कोई कहता है ना बेटियों को पढ़ाओ मत लिखाओ मत, क्या होगा दूसरे के घरों में जाएंगी, सीख लो यहां पर। ये शालिनी, ये डिंपल, ये अनीता, ये दिव्या, ये गुंजन बता रही हैं कि दुनिया में हम लोग बराबर की टक्कर के लिए खड़े हैं। मातृशक्ति जो इस प्रोग्राम को देख रही है उनके लिए सीख है कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ये वो मातृशक्ति है जिसकी दुआएं, जिसका सुभाषीस और जिसकी ममता, दया और प्रेम की जब बलिदान के साथ भाव मिलता है तो कमजोर से कमजोर घरों को भी रोशन कर देती है, और अगर इनका कहीं पे शोषण हुआ है तो महान और रोशन घर में भी अंधेरा छा जाता है। चलिए शालिनी जी बहुत अच्छा खेल रही हैं आप, पहले स्थान पर बने हुए, तीन में से तीनों प्रश्नों के सही जवाब हैं केवल शालिनी जी के, डिंपल जी का एक प्रश्न गलत हो चुका है और अनीता का भी एक प्रश्न गलत हो चुका है। चलिए यहां पर अब बता देता हूं सही बात क्या है। तो रेखांकित का मतलब है रेखा के द्वारा अंकित या रेखा से अंकित, जैसे मान लो ये समास है, इसको मैंने रेखा से अंकित कर दिया तो ये समास शब्द यहां पर रेखांकित हो गया, ठीक है। पुत्र प्रेम का मतलब होता है पुत्र से प्रेम या पुत्र पर प्रेम, से का मतलब यहाँ पर से है। रोग मुक्त का मतलब रोग से मुक्त यानी अलग होने का भाव है, और देश निकाला मतलब देश से निकाला, यहां पर भी अलग होने का भाव है। तो यहां ये दोनों तो अलग होने का भाव है इसलिए अपादान तत्पुरुष है, क्योंकि अलग होने का भाव है। ये पुत्र पर प्रेम है इसलिए ये भले ही यहाँ पे से लग रहा है लेकिन ये अधिकरण तत्पुरुष है, ये अधिकरण तत्पुरुष है, आप प्लस क्लासेज में आएंगे तो सीखेंगे। और रेखांकित जो है रेखा के द्वारा अंकित, यहां पर के द्वारा आया है, से या के द्वारा साधन या माध्यम के रूप में आए तो वहां पर हमेशा करण तत्पुरुष होता है। तो यहां पर ये पहला आंसर सही है रेखांकित। आयुष श्रृंगी जी जुड़े हैं, कुछ पूछना है प्लस क्लासेज के बारे में, कुछ पूछना है कोर्सेज के बारे में, कोई भी प्रश्न आपका हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, लिखते जाइएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी यही करूंगा, लेकिन चौथे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये रहा चौथा प्रश्न, उपपद तत्पुरुष समास है, आपको बताना है उपपद तत्पुरुष समास कौन सा है। प्रियंका विजय हजारिया जी जुड़ गई हैं, उपपद तत्पुरुष समास आपको बताना है लाभप्रद, बनेचर, अदृश्य और रेलगाड़ी, चार आपके सामने शब्द है। उपपद तत्पुरुष आपको बताना है लाभप्रद, बनेचर, अदृश्य और रेलगाड़ी, ओके। चलिए
पोल आ रहा है आपके सामने, सही जवाब आपको शालिनी शर्मा के समकक्ष जाके खड़ा करेगा, डिंपल के समकक्ष खड़ा करेगा, अनिता के समकक्ष खड़ा करेगा, गलत जवाब होगा तो अगली बार ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। चलिए तय कर देता हूं कि तिल में तेल कितना है, दूध का दूध और पानी का पानी। पोल के साथ आ रहा है आपके सामने पोल, जवाब दीजिएगा। चौथा प्रश्न बताइएगा सही आंसर, धर्मराज जी दीजिएगा सही आंसर, ये रहा पोल। शालिनी शर्मा फिर टॉपर है जी, तेजी से जवाब दिया उन्होंने, सबसे आगे हैं अभी तक। अभी द रॉक स्टार अमित शर्मा, मुरारी सिंह, पूनम कुमारी, ब्रजेश चौधरी, डिंपल सबाई, प्रियंका शर्मा, रिद्धि जी ने ज्वाइन किया है। रिद्धि जी स्वागत है आपका, अभिनंदन। ये हमारी क्लास है हिंदी की, मैं मानव शर्मा, एक छोटी सी हिंदी फैकल्टी, और आपके बीच पेश कर रहा हूं आज समास क्या होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिएगा और अब देखते हैं ओवरऑल अपडेट क्या है। मैंने कहा था शालिनी शर्मा जी नंबर एक पर है, बिल्कुल चार में से चारों प्रश्नों के सही जवाब है। ओहो बदलाव किया है, हमारी पुरानी विद्यार्थी हैं दिव्या राणा जी यहाँ पर, ये ऑनलाइन में जुड़े हुए विद्यार्थी हैं ज्यादातर मेरे से। कोरोना काल में ऑनलाइन में आपसे जुड़ने का मौका मिला, अदरवाइज ऑफलाइन में मेरी दुनिया बहुत व्यस्त। लेकिन चलिए दिव्या राणा जी यहाँ पर दूसरे पे आ गई हैं और डिंपल तिवारी को इस बार पीछे दिखाया रास्ता, तीसरे पे पहुंची है। लेकिन डिंपल और दिव्या के बीच सेकंड्स का मामला है और कोई अंतर नहीं। विनय गुप्ता लगातार चौथे रैंक पे बने हुए हैं, कमजोर नहीं है, बिल्कुल तैयार हैं। विनय गुप्ता जी बिल्कुल मूछों के ताव देके खड़े हैं। मधु कुमारी ये भी अच्छी खिलाड़ी हैं, पहले भी इन्होंने सही जवाब दिए हमारे यहाँ। एडली सरकार आ गए हैं छठवें पर। अनिता कुमारी इस बार इनका प्रश्न गलत हो गया साहब उत्तर, इसलिए अनिता जी सीधी सातवें पहुंच गई। दिनेश चौधरी आठवें पे, अवधेश नौवें पे और अभी द रॉक स्टार दसवें नंबर पर है। मनप्रीत कौर जुड़ चुकी है, स्वागत है मनप्रीत जी, आज बहुत दिनों बाद आपने यहाँ पे हमारे इस शो में आने की जो है शिरकत की है, आपने जो हमें मौका दिया है यहाँ पर आपको सीखने का सिखाने का। चलिएगा आप लोग सुझाव दीजिए अपने और जवाब दीजिएगा यहाँ पर। उपपद तत्पुरुष, ओके, उपपद का मतलब होता है उप यानी दूसरा, पद यानी पद, दूसरा पद जहां पे क्रिया होता है वो उपपद तत्पुरुष होता है। शॉर्ट बता रहा हूं जी, अब यहां पूरा तो कैसे समझाऊंगा, प्लस क्लासेस तो है नहीं ये, तो दूसरा पद क्रिया होना चाहिए, क्रिया के अंत में ना लगता है। तो देखो यहाँ पे प्रद का मतलब होता है प्रदान करना, तो यहाँ पे अंतिम पद क्रिया क्या है, यही है, ठीक है। ये बनेचर अलुक तत्पुरुष है, ये अलुक तत्पुरुष है, ये जो है ये देखो ये नन तत्पुरुष है और ये मध्यपद लोपी तत्पुरुष है। तो आपको तत्पुरुष के चार रूप दिखेंगे और याद रखो यहां पे मुख्य तत्पुरुष तो है ही नहीं, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या जो है कर्म तत्पुरुष, ऐसा कुछ तो है ही नहीं यहां पर। यहां तो उपपद तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, नन तत्पुरुष है और मध्यपद लोपी तत्पुरुष है, जबकि लोग केवल मुख्य पे ध्यान रखते हैं लेकिन मुख्य तो यह है ही नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए लाभप्रद यहां पर हो गया है, एक यहां पर आंसर है, चार प्रश्न हो चुके। पूजा शर्मा जी जुड़ी है हमारे बीच, स्वागत है पूजा जी आपका, और अब तैयार हो जाइएगा, पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा। पूजा चौहान जी तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए, और ये रहा आपके सामने प्रश्न, सही समास विग्रह नहीं है, बच्चे बराबर बच्चा और बच्ची, दश बीस, दश और बीस, चाय पानी इत्यादि, उमा शंकर, उमा और शंकर, आपको बताना है इसमें सही समास विग्रह किसका नहीं है। तीन का विग्रह सही है, एक विग्रह यहाँ पर गलत है, गलत को आपको छांटना है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, पोल दे रहा हूं, जवाब दीजिएगा तेजी से, पांचवा प्रश्न ये, ओके बोलिए। तो पांचवा प्रश्न के लिए आप तैयार हो गए हैं ना, आर यू रेडी? चलिए तो पोल दे देता हूं, ये रहा पांचवें प्रश्न का पोल। सिमरन अरोड़ा, प्रमिला कसाड़िया, मुकेश कोहली, इनके जवाब इस बार तेजी से आए। मधु, अमित, अभी द रॉक स्टार, नितेश मैया, सबाई, चलिए देखते हैं कहानी क्या है। समास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है टॉपिक है और पेपर में आता ही है सब।
और जानकारी, केवल 15% लोगों का सही जवाब आया है, केवल 15% लोगों का, शालिनी जी का ये प्रश्न गलत हुआ है, लेकिन वो टॉप पर बनी रहेंगी क्योंकि और प्रतिद्वंदियों ने इनसे भी ज्यादा गलत कर रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए सही जवाब धीरज पाराशर ने लिख दिया है 10 या 20, मैं बताता हूं धीरज और उसी क्या हो सकता है। मधु कुमारी जी बधाई आपको, दूसरे पे आ गई है, मैं कह ही रहा था आपको मधु के बारे में अभी कि बहुत अच्छा खेलती है। दिव्या राणा इस बार तीसरे पे पहुंचाया है, दिव्या राणा ने डिंपल को पीछे भेजा था तो मधु आई और दिव्या को पीछे भेज दिया, समझ गए यही युग है, यही कॉम्पिटिशन है दुनिया में, एक थोड़ा सा सीट छोड़ोगे दूसरा बैठने को तैयार है। और याद रखिए सीट छोड़ने नहीं है, तुमको आगे तक जाना है, तुमको आगे तक जाना है। चिर सजग आंखें उनेंदी आज कैसा व्यस्त माना, महादेव वर्मा ने लिखा कि चिर सजग आंखें उनेंदी आज कैसा व्यस्त माना, विश्व का क्रंदन भुला दे घी मधुप की मधुर गुनगुन, राख क्षणिक पतंग की है अमर जीपक की निशानी, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग क्योंकि तुझे दूर जाना है। अभी द रॉक स्टार चौथे नंबर पर, डिंपल पांचवें पे, सवाई छठवें पे, विनय गुप्ता इस बार सातवें पहुंच गए हैं, एली सरकार आठवें पे, अनिता नौवें पर है और दिनेश चौधरी दसवें पर है। ओके, और प्रमीला जी कह रही है कि मेरी क्लास बंद हो गई अपने आप ही, बेटा माफी चाहता हूं पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन शालिनी जी बधाई आप बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा बच्चे, आप बोलो बोले बाहर बच्चे हैं, इसका मतलब बच्चा भी हो सकता है बच्ची भी हो सकती है। ये अगर आप पढ़ें तो जो है ना एक शेष द्वंद होता है संस्कृत में, एक शेष द्वंद सुना है आपने, जहां पे दो को ले लेते हैं एक साथ, जैसे दंपति, तो उसमें उसमें पति भी आ गया और पत्नी भी आ गया, दोनों शब्द आ जाते हैं। ओके, तो ये तो सही था, ज्यादातर लोगों ने ये जवाब दिया जबकि ये सही है। आपसे पूछ रहा सही समास विग्रह कौन सा नहीं है, दस बीस का मतलब होता है 10 या 20, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं 10 से लेकर 20 तक। आप किसी से बोलो आधे दुगने का संबंध हो तो वहां पे वैकल्पिक द्वंद समास होता है, मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ पे वैकल्पिक द्वंद समास है, आधे दुगने का संबंध होता है तो वैकल्पिक द्वंद समास होता है, और वहां पे या से लेकर लगता है। आप किसी से बोलो 10-20 रुपए देना, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उससे यूं कह रहे हो कि 10 और 20 रुपए दो, नहीं, आप ये कह रहे हो कि 10 दे दो या 20 दे दो, यानी कि 10 से लेकर 20 दे दो, तो या लगता है और नहीं लगता। 10-20 का मतलब 10 और 20 नहीं मांग रहे आप, 10 दे देगा तो भी ठीक है, आप ये थोड़ी कहोगे अभी 10 ही दिए 20 छोड़ दे, फिर तो आप 30 ही मांग लेते ना, 10-20 क्यों मांगते, उसने 15 दे दिए तब भी आप कहेंगे हाँ भाई ठीक है हो गया। चाय पानी इत्यादि समाहार द्वंद समास है, और उमा शंकर, उमा बे शंकर या उमा और शंकर की बात है, ये इतरेतर द्वंद समास है। तो इतरेतर द्वंद समास, समाहार द्वंद समास, वैकल्पिक द्वंद समास और एक शेष द्वंद समास, द्वंद समास के चारों रूप यहां पर सामने थे, चारों रूपों में से आपको बताना था गलत कौन सा है, से लेकर या लगाते हैं इसलिए यहां पर गलत हो गया है, और पांचवा प्रश्न जो है 2 यहां पर आंसर है। चलिएगा, महेंद्र सिंह धोनी जुड़ गए हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको धोनी साहब, आप जो है क्रिकेट छोड़कर के आजकल हिंदी पढ़ने आ गए हैं, वैसे आईपीएल खेल रहे हैं आप फिर भी आप समय निकाल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। चलिएगा, कभी साक्षी जी को भी लाइएगा, शादी हुई है कि नहीं हुई है धोनी साहब। चलिए चलिए, सही समास विग्रह नहीं है यहां पर, यहां पर जो है 2 आंसर हो चुका है, 5 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा आपका कमेंट कि अंग्रेजी के हम गुलाम नहीं है हिंदी को करें प्रणाम, बिल्कुल प्रॉब्लम यही तो है, लोगों ने आजकल परदेशी भाषा को इतना सम्मान दे रखा है कि अपने देशी भाषा के स्वरूप को भूल जाते हैं, और तन से तो आजाद हम हो गए हैं 1947 में, हम जब तन से आजाद हो गए, लेकिन मन से आज भी हम ऐसे ही हैं, गुलामी सहन करते हैं। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी, परदेशी भाषा और रूप को हम अब तक हैं देते सलामी, छूटा तन से छूटा मन से संसार, सबको तन से है प्यार, तन का मन से है रिश्ता टूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। चलिए झूठे चेहरों को इग्नोर करते हैं,
और हिंदी के साथ जुड़ते हैं मन से। आइएगा छठवां प्रश्न आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर, किसमें सभी द्विगु समास है, किसमें सभी द्विगु समास है, पंचामृत चतुरानंद दशाब्दी, शतक पखवाड़ा बालिका द्वय, नवरात्र तिरंगा पंचवटी, त्रिनेत्र नीलकंठ दशक। आपको बताना है कि सभी में द्विगु समास कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है। ठीक है जितेश जाखड़ जी, ये भी एक छात्रा हैं जो लिख रही हैं कि आज हमारा सरपंच जीत गया, बहुत बढ़िया बात है। चलिएगा कमेंट पढ़ लेंगे दिव्या राणा जी आपका। छठवां प्रश्न है, तैयार हो जाइएगा। और ये रहा आपके सामने पोल, जवाब दीजिएगा सही आंसर। रेखा रामनिवास, पूनम मीना आधी, शालिनी, ब्रजेश चौधरी, पूजा चौहान का सही जवाब है, अनिता जी का सही जवाब है। जवाब बहुत ज्यादा लोगों ने गलत दिया है। चलिएगा और फाइनल अपडेट देखते हैं क्या है स्थिति। अजीत नागर जुड़ गए हैं, चलिए शालिनी जी भी टॉपर बनी हुई हैं, उनके जो है 6 में से 5 प्रश्न सही है। रॉकस्टार अभी द रॉकस्टार के 6 में से 4 सही हैं, बधाई आपको, आप दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और मधु कुमारी तीसरे स्थान पर आ गई हैं, अब दिव्या राणा चौथे पर है। चलिए इस बार बॉयज की एंट्री हुई है टॉप 3 में, ब्रजेश चौधरी 5वें पर है, डिंपल 6वें पर, सबाई 7वें पे, पूनम 8वें पे, विनय गुप्ता अब 9वें पर है और एलडी सरकार 10वें पर है। ओके गलती से क्लिक हो गया मधु का, इसलिए पीछे रह गई है, कोई बात नहीं, लेकिन गलती है। देखो जिंदगी है ना, ये रेडियो की तरह है, टॉप रिकॉर्डर नहीं है, टैप रिकॉर्डर में ऐसा होता है आप मनचाहे जब जो मनचाहे जैसे गाने सुन लो, ये जिंदगी है, थोड़ी सी गलती करो बस सजा भुगतनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप वापस सुन लेंगे उसे, रेडियो से जो एक बार प्रोग्राम निकल गया वो निकल गया, कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। मधु अगले के लिए तैयार रहिएगा। चलिएगा और यहाँ पर सुनील यादव जी जुड़ गए हैं, सरिता शर्मा जी आ गई हैं, स्वागत है आपका। देखिए सभी द्विगु समास, पंचामृत चतुरान, देखो ये चतुरान क्या है, ब्रह्मा, तो ये बहुब्रीहि है, ये देखो तिरंगा है ना, तिरंगा ये भारत का झंडा है, तिरंगा का मतलब भारतीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा का मतलब 3 रंगों का समूह नहीं होता, फिक्स है, आप बाजार में जाओ बोले तिरंगा देना, तो ये थोड़ी है कि उसने काला पीला और नीला मिला के दे दिया आपको कि 3 कपड़े का ले जाओ, नहीं, ऐसे तो बैरोजी का झंडा भी 3 रंग का ही है पर वो तिरंगा नहीं है। ठीक है और यहां पर देखिए त्रिनेत्र जो है ये कौन है, ये त्रिनेत्र जो है भगवान शिव है, नीलकंठ भी शिव को ही बोलते हैं, तो ऐसे स्थिति में ये देखो 100 का समाहार, शतक पखवाड़ा 15 दिनों का समाहार और बालिका द्वय 2 बालिकाओं का समाहार, तो यहां पर ये छठवां सही हो गया है, ओ सॉरी दूसरा, छठवें प्रश्न में दूसरा सही हो गया है, 2 यहां पर आंसर है। ओके विकास जी जुड़ गए हैं, विकास जी अच्छा खेलते हैं और आज लेट आए हैं, पता नहीं क्या कारण है, मेरे से नाराज है शायद। छठवां प्रश्न 6 हो गए हैं, 7वें प्रश्न पाइएगा, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गुरु दक्षिणा शब्द में समास है, गुरु दक्षिणा शब्द में समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। सोनू स्वामी जी तैयार हो जाइएगा, जवाब देना है आपको यहां पर। चलिए चलिए 7वां प्रश्न है, जवाब देने के लिए तैयार रहें, पोल दे रहा हूं आपके सामने। ओके चलिए पोल दे देता हूं, तो ये रहा आपके सामने पोल। ओहो विकास ने आते ही अटैक किया है, मैं बोल रहा था विकास बहुत तेजी जवाब देते हैं। कैलाश चंद्र, रामनिवास, शनिता, रेखा, शालिनी, गीता, नितेश, पूजा, सही जवाब है आप सबके। पचास % लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, गजराज मीना जी का जवाब भी सही है, 21% ने बी को और 20
और 19% ने सी को चूज किया था। शालिनी शर्मा भी नंबर एक पर है, और ये देखिए मधु कुमारी दूसरे पर है, दिव्या राणा तीसरे पर आ गए, अभी द रॉक स्टार वापस चले गए, इनका ये प्रश्न गलत हो गया है, ये वापस चौथे पर चले गए हैं। ब्रजेश चौधरी पांचवे पे, डिंपल तिवारी छठे पे, सबाई सातवें पे, मीना शाश्वत आठवें पर है। ये मीना शाश्वत के आज बहुत प्रश्न गलत हुए हैं। मीना आप हमारे यहाँ टॉपर रही है पहले एक बार, और क्या कहानी हो गई ऐसे कि आप जो है बहुत कमजोर है आज आपका प्रदर्शन। अवधेश कुमारी जो है, अवधेश नौवे पर है और ब्रामनिवास जी दसवें पर है। अच्छा नेट प्रॉब्लम हो गई है, चलिए अभी दर ऑर्केस्ट्रा के नेट प्रॉब्लम हो गई है साहब, कोई बात नहीं। शालिनी जी बनी हुई है नंबर एक पर, गुरु दक्षिणा, इसका मतलब होता है गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए का मतलब होता है संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान कौन सा कारक होता है, चौथा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चौथा तत्पुरुष है, कारक चिन्ह का लोप होता तत्पुरुष है, ठीक है, तो ये हो गया तत्पुरुष। ओके कौन सा वाला तत्पुरुष है, चौथा वाला तत्पुरुष है। तो यहाँ पर बहुत सीधा प्रश्न था, जवाब सही नहीं दे पाए आप, तीन यहाँ पर आंसर हो गए। अमित कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं, स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी चलिए अभिनंदन सर आपका, पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, फोटो से साफ नहीं आ रहा है। चलिए सात प्रश्न यहां पर हो चुके हैं, आठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आठवां प्रश्न आपको दे रहा हूं, तैयार हो जाइएगा। और आठवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आज ये अमित सर पधारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अनअकैडमी पर ही अध्यापन कार्य कर रहे हैं, वही अमित जी हैं। सर थोड़ा फोटो क्लियर नहीं आ रहा, आइडिया लग रहा है कि शायद आप ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमित कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप अमित सर जो है बहुत अच्छे टीचर हैं, आप जो है हिस्ट्री पॉलिटी और न जाने इतना ज्ञान का भंडार इनके पास भरा पड़ा है, अनअकैडमी पर आप पढ़ाते हैं। आप अमित कुमार शर्मा जी सर से परिचित आपका कितना है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा होंगे, क्योंकि सर यूपीएससी देखते हैं, आप यूपीएससी में पढ़ाते हैं यहाँ पर अनअकैडमी में। वह विद्वान टीचर हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, और देखिए इनका बड़प्पन है कि मेरी क्लास देखने यहाँ पर आए हैं। चलिए चलिए बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारा यहाँ पे बच्चों के साथ चल रहा है एमसीक्यू, अलुक तत्पुरुष समास बताना है आपको, तो चलिएगा अलुक तत्पुरुष समास का पोल आपको बता रहा हूं। भयंकर, लाभप्रद, धनेश्वर और फलदायी, चार ऑप्शन है आपके सामने, अलुक तत्पुरुष कौन सा होगा, सोच के जवाब देना है। आठवां प्रश्न है, एक गलती से आप भी चले जाएंगे। शालिनी शर्मा अभी तक टॉप पर बनी हुई है, मुझे लगता है शालिनी जी की आज पहली क्लास है और पहली क्लास में वो टॉप पर है, सोचो लेवल कितना अच्छा है उनका। तैयार हो जाइएगा, सही जवाब क्या है बताइएगा मुझे। ये रहा आपके सामने पोल। दीपिका मेघवाल का जवाब, नितेश मैया, ललिता गौतम, सरिता स्वामी, गीता चौधरी, अभी दरोकस्ता, दिव्या राणा और शालिनी शर्मा के सही जवाब हैं। और शालिनी जी का सही जवाब का मतलब है वो टॉप पर हैं अभी भी, क्यों, क्योंकि उनके बराबर किसी ने सही आंसर नहीं कर रखे। फर्स्ट क्लास है यहां पर अजीत नागर जी की, जवाब दीजिएगा अजीत जी, बिल्कुल तेजिस जवाब दीजिएगा, बस दौड़ का वो है कितने सेकंड्स में आप इसको कवर करते हैं, यही कहानी है। एस अंसारी जुड़ गए हैं, शालिनी जी अभी तक नंबर एक पर बनी हुई है जी, और मधु कुमारी दूसरे पर है, दिव्या राणा तीसरे पर है, अभी इधर स्टार चौथे पे है, डिंपल पांचवें पे है, सवाई छठवें पे, मीना सातवें पर है, रामनिवास आठवें पर है, ब्रजेश नौवें पर है और नितेश मैया दसवें नंबर पर है। चलिए देखो अलुक तत्पुरुष, ए मतलब नहीं, लुक का मतलब छुपना, जो छुप नहीं पाए। अब देखो कारक चिन्ह तो छुप जाता है, लेकिन उसकी जगह कारक प्रत्यय जो होता है ना, कारक चिन्ह की जगह आने वाला होता है, इसको रिप्लेस करता है कारक प्रत्यय, और ये कारक प्रत्यय छुप नहीं पाता। ये देखो दिख रहा है भयंकर, ये अनुस्वार लगा हुआ है ना, ये कारक प्रत्यय मैं की जगह है, मैं का मतलब होता है को, भयंकर भय, मैं का मतलब को, करने वाला, तो यहां पर जो कारक चिन्ह था संबंध कारक को, वो छुप गया है और उसकी जगह उसने भेज दिया कारक प्रत्यय मैं को, लेकिन ये कारक प्रत्यय भी यहां पर लुक नहीं हो पाया, छुप नहीं पाया, दिख गया है, इसलिए अलुक तत्पुरुष ये होता है। ओके कभी प्लस क्लासेज में आइएगा, आप समझाएंगे आपको कहानी क्या है।
पूजा राजपुरोहित जी जुड़ गई हैं, स्वागत है पूजा जी आपका। 8 प्रश्न हो चुके हैं, नौवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये रहा आपके सामने नौवां प्रश्न। धनंजय शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय। धनंजय में आपको समास बताना है। दिव्या जी जुड़ गई हैं, स्वागत है दिव्या जी आपका। तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय, चार ऑप्शन है, जवाब देना है जी, तैयार रहिएगा। तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और कर्मधारय। चलिए पोल दे रहा हूं, अनुभव, अनुभव जी जुड़ गए हैं जी, पोल दे रहा हूं, जवाब दीजिएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, सही जवाब दीजिएगा। ये रहा पोल। साधना शाश्वत का जवाब तेजी से, उसके बाद विकास, राजीव, पूजा, अभी शालिनी, अनीता, सरिता स्वामी, सुमन जाट, सिमरन अरोड़ा जी का सही जवाब है। ममता चौधरी जी जुड़ी हैं, स्वागत है ममता जी आपका। मेघा पंड्या जी जुड़ी हैं, स्वागत है मेघा जी। चलिएगा यहां पे देखिए, शालिनी शर्मा नंबर एक पर है, मधु कुमारी दूसरे पर हैं और दिव्या राणा जी तीसरे नंबर पर हैं। वही है, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। डिंपल तिवारी अब पांचवें पहुंच गई है, अभी चौथे पर है और मीना शाश्वत अब छठवें पर पहुंच गई है। ओके, सबाई सातवें पे, साधना आठवें पे, रामनिवास नौवें पे और ब्रजेश चौधरी दसवें पर है। हिमांशु जरवाल साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है ममता जी आपका, अभिनंदन है। ममता चौधरी जुड़ी हैं और मेघा पंड्या जी जुड़ी हैं, मेघा पंड्या जी स्वागत है आपका। चलिए डिंपल तिवारी लिख रही है, अर्जुन को बोलते हैं बेटा, इसके दो अर्थ होते हैं। देखो धनंजय का मतलब एक तो होता है धन को जीतने वाला, ठीक है, यानी जिसने कोई जो है युद्ध किया हो, राजा वगैरह होते ना, और उन्होंने जो है जीत लिया हो। और एक होता है धनम मतलब कुबेर, कुबेर को जीतने वाला, वो है अर्जुन, ठीक है। तो यहां पे बहुव्रीहि समास तीसरे को इशारा कर रहा है, तो तीसरे को इशारा कर रहा है इसलिए बहुव्रीहि समास। आप जब गीता पढ़ेंगे ना तो भगवान कृष्ण ने कई बार कहा है, भगवान कृष्ण को आप जब सुनेंगे ना तो वहां पे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेदा युद्ध सभा, मामका पांडवश्य किम कुरुवेत संजय, तो वो संजय उनको धृतराष्ट्र को बताता है। तो उस समय वो बार बार जो है अर्जुन और कृष्ण के संवाद को करता है, वहां पे अर्जुन जो है वो धनंजय के नाम से पुकारा जाता है, कृष्ण भगवान उसको ऐसा कहते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जोश आए कि देख तू कुबेर को जीत गया था, इस कर्ण को और इस दुर्योधन को भी जीत सकता है। जगदेव चौधरी जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कुंजन खत्री जी आई हैं, अभिनंदन है आपका। हिमांशु जी, चलिए 9 प्रश्न हो चुके हैं अभी तक, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। अच्छा, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, उन सबके पास लगातार प्रश्न वगैरह पहुंच रहे होंगे रोज की रोज। इनके अलावा आपको PDF वगैरह पहुंच रही होगी रोज की रोज, थ्रू ग्रुप्स, थ्रू ब्रॉडकास्ट पहुंच ही रहा है, ठीक है। चलिए तो तैयारी को बिल्कुल कमजोर नहीं होना देना, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। प्लस क्लासेज में आना है आपको 2:30 से 3:30 और 4 से 5, ये प्लस में आइएगा। शाम को यहाँ पे स्पेशल क्लास में 6:30 से 7:30 तैयारी करो, ये स्पेशल का एंजॉय करो। और बीच में आपके पास जो मैं भेज रहा हूँ जो PDF वगैरह आ रहे हैं, उनको सॉल्व है वो सब, उनको भी रोज रोज पढ़ो, ठीक है। तो ये सब आप काम करेंगे। अमित विश्नोई जी व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं मेरा, अमित जी व्हाट्सएप नंबर मेरी तरफ से मैं देता नहीं हूँ, दरअसल ऐसा कुछ जो है मना है अनएकेडमी की ओर से सभी टीचर्स को, तो मैं अपनी तरफ से देता नहीं हूँ इसलिए। पर आप मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, वो तो मेरे से जुड़े हुए हैं, कई तरीकों से जुड़े हुए हैं। ओके, हाँ पिन करा दो, ये सब मैं नहीं करूँगा, टेलीग्राम वगैरह जो है ना उसका मैं पिन वगैरह नहीं करूँगा। आप लोग अपने स्तर से जो है तैयारी को जीवंत रखिएगा, ये तो पुराने विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए थे। ओके, चलिए मन छोटा नहीं कर रहा हूँ आपका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो चलिए, सभी लोग देते हैं तो कोई बात नहीं, ये लीजिए।
9414, ठीक है। अब खुश हैं आप लोग? वैसे क्या है कि अलाउड नहीं है और हम लोग देते भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम लोग देते भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है ये ओनली जो है। पर फिर भी आपने कहा कि व्हाट्सएप नंबर दे ही दो, तो चलो कोई बात नहीं। आप लोग दुखी नहीं रहे, प्रश्न अच्छे हल करें, रोज रोज सीखें और जो है सभी लोग अच्छी मेहनत करें, टॉप पे जाएं, ऐसा हमारा और अनअकैडमी दोनों का प्रयास है। चलिए तो मैं मिटा दूं ना इसे। अब आप अपनी तरफ से फ्री हैं? ओके चलिए, ओके अगले प्रश्न पे आइएगा, मैं देता नहीं हूं मित्रों, सही बात है। दसवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा दसवां प्रश्न। भागम भाग शब्द में समास बता दो, तत्पुरुष अव्यय भाव बहुव्रीहि और द्वंद। बहुत सिंपल प्रश्न है, ज्यादा समय लूंगा नहीं, सीधा जवाब देना है। भागम भाग में समास कौन सा है? तत्पुरुष अव्यय भाव बहुव्रीहि और द्वंद, ठीक है। दसवां प्रश्न है आपके सामने और जवाब दीजिएगा आखिर क्या होगा सही जवाब, ये रहा। हाँ कर देंगे, वो सब कर देंगे, आपको मैंने दे दिया है, अब आप मैं सब कर दूंगा। आप एक बार कॉन्टेक्ट में, उसके बाद सब काम मेरे, नो टेंशन रहिए, मस्त रहिएगा, पहुंच जाएगा हिमांशु जी, ठीक है। भागम भाग शब्द में समास आपको बताना है, ये रहा पोल। मनप्रीत कौर का सबसे पहले जवाब है, उसके बाद पूनम कुमारी, फिर मीना शाश्वत, फिर विनय गुप्ता। ये मीना शाश्वत तेजी से आगे बढ़ रही है, ध्यान रखो खतरा है यहां पर। शालिनी शर्मा जी का सही जवाब है, लेकिन इसलिए उनकी रैंक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अभी सबाई, सोनू, सरिता, शालिनी, नितेश, सही जवाब है आप सबके। 51% लोगों ने अभी तक सही जवाब दे चुके हैं और 34% ने डी दिया है जो कि गलत है। कृष्णा कुमार आ गए हैं, हमारे प्लस के विद्यार्थी हैं कृष्णा जी, ये रहा शालिनी शर्मा जी का आपके सामने फीडबैक। दिव्या राणा वापस पहुंच गई है जी दूसरे पर, और डिंपल तिवारी फिर आ गई है वापस तीसरे पर। याद रखिए मधु कुमारी को पीछे भेजा है, अभी जो है चौथे नंबर पर बने हुए। मीना शाश्वत छठवें पर आ गई है सब। कृष्णा कुमार जी हमारे प्लस के विद्यार्थी हैं, जो है ना बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, सभी विद्यार्थियों की हेल्प करते हैं ये। और जब भी कोई विद्यार्थी टेंशन में आता है, कभी कोई विद्यार्थी को हिंदी में प्रॉब्लम हुई है, तो इन्होंने हमेशा मेरे जो है एक अच्छे विद्यार्थी की तरह सबकी मदद की है कृष्णा कुमार जी ने। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनके साथ भी बात कर सकते हैं। चलिए जी कृष्णा जी, और यहां पर सिमरन अरोड़ा दसवीं पर बनी हुई है। बात ऐसी है कि भागम भाग का मतलब होता है भागना ही भागना, और अगर भागना ही भागना लिखना है, भागना ही भागना, तो आपको पता है एक ही शब्द को जब रिपीट किया जाता है तो वो पुनरुक्ति मूलक अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव के तीन रूप होते हैं, उसका जो अंतिम रूप है पुनरुक्ति मूलक रूप, वो यहां पर मौजूद है। आपको बताएंगे कभी प्लस क्लासेज में आओगे तो अव्यय भाव के तीन रूप क्या क्या होते हैं। फिलहाल याद रखो यहाँ पे पुनरुक्ति मूलक यानी पुनः उक्ति, एक ही कथन को बार बार बोलना, जैसे खसम खास, रातों रात, दिनों दिन, भागम भाग, ऐसे कुछ होते हैं। तो चलिएगा यहां पर यह दूसरा आंसर है। ओके बहुत मुश्किल से क्लास चली है कृष्णा के इस बार, ओहो चलिए कोई बात नहीं। 10 प्रश्न हो चुके हैं, 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार रहिएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, उदय जार जी तैयार हो जाइए जवाब के लिए। ये रहा प्रश्न, विग्रह की दृष्टि से असुमेलित शब्द है। आपको असुमेलित शब्द बताना है विग्रह की दृष्टि से, यानी विग्रह में जो मैच नहीं कर रहा हो, जो विग्रह में मैच नहीं कर रहा हो उसको आपको अलग करना है। ओके, देवालय, हिमालय, कारावास और यज्ञशाला, ठीक है। ये चार आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें सही, तीन तो एक जैसे हैं, एक अलग है। ओके तो आपको पोल दे रहा हूं मैं, आप बताइएगा यहां पर क्या होगा आपका आंसर। 11वां प्रश्न है, रविंद्र महावर जुड़ गए हैं, हरिमोहन मीना जी जुड़े हैं, स्वागत है हरिओम जी, रविंद्र जी आप दोनों का। जवाब दीजिएगा, 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल ये रहा प्रश्न। डिंपल तिवारी का जवाब है तेजी से साहब, हरिमोहन मीना जी आए और जवाब तेजी से दिया है जी, गुड ग्रेट। शालिनी शर्मा का जवाब, ब्रजेश चौधरी, विकास, अनीता, अभी इंद्रा डेलू जी, इंद्रा डेलू जी आज आपका जवाब बहुत अब आया है, आप बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, लेट कैसे हो गई। और ये देखिए दिव्या राणा के आंसू कि मेरा तो गलत हो गया है,
मानव शर्मा के पास पढ़ने नहीं आ रहे हो क्या? गलत कैसे हो सकता है? चलिए ओवरऑल अपडेट बताते हैं आपको। शालिनी शर्मा नंबर एक पर बनी हुई है, 11 में से 10 उनके सही आंसर है। ग्रेट। डिंपल तिवारी दूसरे पे पहुंच गई है, अभी द रॉक स्टार तीसरे पे है, दिव्या राणा वापस आ गई चौथे पर, और ये अभी जो है फिर तीसरे पे आ गए इस बार। तो अभी मुकाबला खत्म नहीं किया है, अभी ने कहा कि अभी तो अभी हूं मैं, इसलिए ऐसी स्थिति में मुकाबला कमजोर नहीं हुआ है। मीना छठवें पर है, मधु पांचवें पर है। यहाँ पे मामला बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि शालिनी शर्मा जी कैसे खेलती हैं, क्योंकि क्योंकि उनके प्रश्न केवल एक ही गलत हुआ है अभी तक, इसलिए वो टॉप पर हैं। बहुत अच्छा शालिनी जी, आपने आज मन जीता है। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होते हैं जो पहली बार एमसीक्यू में भाग ले उस टीचर की और आते ही जो एक गजब का अपना रूप दिखाए। ऐसे टीचर्स और ऐसे स्टूडेंट्स अगर सभी जगह मिले तो रीट के टॉपर्स एक बैच से निकल सकते हैं, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। और शालिनी शर्मा जी लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं सर, सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं हमारे, वो टाइम पास नहीं है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है और त्रिनेत्र में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है, टाइम पास नहीं है हमारे, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तभी तो आप लोग जवाब दे रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। चलिए देखो, देव के लिए आलय देवालय होता है, कारा के लिए आवास कारावास होता है, और यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला होती है, लेकिन हिम के लिए आलय नहीं होता, हिम का आलय होता है, बर्फ का आलय है वो। आपने बर्फ के लिए थोड़ी रखा है उसको कि यहाँ पे आ जाओ बर्फ, यहाँ पे गिर जाओ। अगर के लिए यहाँ पे स्थिर हो जाता, फिक्स नहीं होता, तो क्या होता है पता है? कल हम अपना कमरा फिक्स कर देते, बोले आज से हिमालय ये रहेगा, बर्फ यहाँ गिरेगी, तो ऐसे नहीं होता, ये फिक्स है। जो फिक्स होता है ना, हिम का आलय है, हिम के लिए नहीं है, हिमालय फिक्स है, ये संबंध तत्पुरुष है। देव के लिए आलय फिक्स नहीं होता, कोई चीज अभी देवालय हो सकता है, वो कभी जाकर के विद्यालय बन जाए, मदिरालय बन जाए। कारा के लिए आवास है, जेल में कारा मतलब कैद काटने के लिए जो जगह है वो कारावास है, और यज्ञ के लिए शाला है, के लिए जहां भी लगता है वहां उद्देश्य छुपा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हिम के लिए आलय, यहाँ पे कोई लाभ नहीं है, ये तो नेचुरल है, आपने नहीं बनाया हिमालय, अपने आप बना हुआ है, ठीक है। चलिए अजीत नागर जी, जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं और हमसे जो है दूसरी चौथी पांचवी बात कर रहे हैं, आपको जवाब देना है। सभी लोग अच्छे हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जिन टीचर की बात आप कर रहे हैं वो मेरे छोटे अनुचर हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और चूंकि मैं सीनियर टीचर हूँ, राजस्थान के उत्तर भारत के टॉप मोस्ट टीचर्स में जो है हम लोगों को गिना जाता है, तो हमारे लिए तो जितने भी लोग हैं ना वो सब हमसे मिलते हैं, सम्मान करते हैं, आते हैं जाते हैं, और हम उनसे मिलते हैं, हमारे छोटे लोग हैं, भाई हैं हमारे, और अनुजों का हम सम्मान हमेशा करते हैं, इसलिए सारे टीचर अच्छे हैं। सरोज राव, मुमताज अजीज जुड़ चुकी हैं, चलिएगा चलिएगा। सीमा सोनी जी, अभिनंदन आपका, ओके। और यहां पर अब अजीत जी जवाब देना है आपको, मैं टोका है आपको, जवाब देना। टीना कंवर जी जुड़ गई हैं, तो यहां पे दो आंसर हो गया है, क्लियर है, ओके। चलिए बारहवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा आपके सामने बारहवां प्रश्न। विग्रह की दृष्टि से असुमेलित शब्द है, राजपुरुष, अमचूर, बलिपशु, बलिपशु, पशु बलि। जवाब दो, पोल भेज रहा हूं। विग्रह की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है, राजपुरुष, अमचूर, बलिपशु और पशु बलि? चार ऑप्शन है, एक यहां पर ऐसा है जो तीन से मैच नहीं कर रहा है, कौन सा है ढूंढ के बताइए, ओके। चलिए पोल दे रहा हूं, चलिए पोल दे रहा हूं, सही जवाब दीजिएगा, ओके। ये रहा आपके सामने पोल, शालिनी शर्मा का जवाब बहुत तेजी से भाई साहब, ये पूरा तय करके आई है आज, कुछ भी हो जाए, मुझे लगा कि भयंकर गुस्से में आई है आज, कुछ भी हो जाए टॉप करके जाऊंगी। गीता चौधरी, सरिता स्वामी, मंचिता, जगदेव चौधरी, अनीता, अनुभव, विनय गुप्ता के सही जवाब है। रवि कुमार जी ने ज्वाइन किया है, स्वागत है रवि कुमार जी आपका। ओहो डिंपल तिवारी का गलती से गलत क्लिक हो गया है, और डिंपल
यहाँ पर पीछे जाएगी, इसका मतलब गलती है तो बस पीछे जाना पड़ेगा साहब। ओहो, अभी द रॉकस्टार दूसरे स्थान पर आ गए हैं, डिंपल फिर तीसरे पर चली गई हैं, शालिनी शर्मा अभी तक नंबर एक पर बनी हुई है, केवल एक ही प्रश्न इनका गलत है। मधु कुमारी जी चौथे पर आ गई हैं, दिव्य राणा पांचवें पहुंच गए इस बार, विनय गुप्ता जी छठवें पर है, साधना सातवें पर, मीना आठवें पर। देखिए साधना शाश्वत और मीना शाश्वत ये दोनों बहने हैं, और याद रखिएगा दोनों जो है ये हमारे क्विज में भाग लेती है। तीन तीन बहने, तीनों बहने आती है कई बार, एक बहन गवर्नमेंट जॉब में भी है और धौलपुर उस इलाके से हैं, इन्होंने एक बार बताया था ऐसे यहाँ चैट पर, और बहुत अच्छी जो है ये जवाब देती है, अच्छी पढ़ने वाली बहन है। चलिए दिमाग में सही था लेकिन गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, ये गलती तो है, गलती तो है जी, गलती तो है, जिसकी वजह से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, वरना सब बराबर के लोग हैं। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अजीत नागर जी लिख रहे हैं सर आप महान हो, आहा अरे ऐसी इतनी बड़ी कमेंट मत दो साहब, कोई महान नहीं, मैं तो हिंदी का एक छोटा सा फकीर हूँ, एक अदना सा बेटा हूं, कोई पूछे मेरे बारे में तो कह देना कोई खास नहीं। अजीत नागर साहब, कोई पूछे मेरे बारे में तो कह देना कोई खास नहीं, एक फल था कच्चा पक्का सा, एक टीचर झूठा सच्चा सा, हंसमुख अनजान सा वो साथी, जो पास रहा पर पास नहीं, कोई फिर भी पूछे कौन था वो तो कह देना कोई खास नहीं। चलिए एक्सप्लेन करने की बात कर रही हैं टीना जी, एक्सप्लेन करता हूं, राजपुरुष का मतलब है राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। अमचूर का मतलब है आम का चूरा। बलि पशु का मतलब है बलि के लिए, मतलब काटने के लिए, मारने के लिए, चढ़ाने के लिए लाया गया पशु। और पशु बलि का मतलब होता है पशु की बलि। आप भैरव जी के स्थान पे गए, एक बकरा वहां बांधे हुआ था, आपने पूछा भैया ये कौन क्यों बांध रखा है यहाँ, बोले ये बलि पशु है, बकरा नहीं, अब तो इसको बलि पशु कहेंगे हम, क्यों, क्योंकि बलि के लिए लाया गया है। उसके बाद उसकी बकरी बकरे की बलि दे दी गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे पूछा, बोले यहाँ कोई प्रोग्राम था, आपने कहा यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, पशु बलि दी गई थी, मतलब पशु की बलि दी गई थी। तो पशु की बलि और बलि के लिए लाया गया पशु, दोनों अलग अलग शब्द है। अब देखो का की के ये लगते हैं ना, तो वो होता है संबंध तत्पुरुष, तो ये दोनों संबंध तत्पुरुष है, ये भी संबंध तत्पुरुष है, लेकिन ये के लिए लग रहा है यहाँ पर, ये जो है संप्रदान तत्पुरुष है, इसलिए ये इनसे मैच नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर तीन आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैच नहीं कर रहा। समझ में आ गया टीना जी, गुड। उर्मिला चौधरी जी जुड़ गई हैं, उर्मिला जी स्वागत है आपका हमारी क्लास में, और 13वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जवाब दीजिएगा। ये रहा प्रश्न, बहुब्री समास नहीं है, शाखा मृग तिरंगा खरोस्ती महामध्य, सही आंसर बताइएगा, किसमें बहुब्री समास नहीं है, शाखा मृग तिरंगा खरोस्ती महामध्य। 13वां प्रश्न है, पोल दे रहा हूं तेजी से, और ये रहा आपके सामने 13वें प्रश्न का पोल। साधना शाश्वत का जवाब सबसे पहले आया है, सोच के जवाब दीजिए, बहुब्री समास किसमें नहीं है, आंकड़े बदलेंगे, मुझे लगता है कि आंकड़े बदलेंगे इस बार, कुछ भी हो सकता है, देखना पड़ेगा अभी कहानी क्या है। कैलाश चंद्र, अमित शर्मा, अभी विनय, सीमा, दिव्या, शालिनी शर्मा का ये प्रश्न गलत हो गया है, 11 प्रश्न उनके अब सही हैं 13 में से, यानी कि दो प्रश्न गलत हो चुके हैं। अभी तो रॉकस्टार दूसरे पर हैं और डिंपल तिवारी तीसरे पर हैं, दिव्या राणा चौथे पे पहुंच गई हैं वापस, और विनय गुप्ता जी पांचवें पर आ गए हैं। चलिएगा, साधना, मधु, मीना, ब्रजेश चौधरी और नितेश मैया टॉप 10 में बने हुए हैं। शाखा मृग, शाखाओं पर मृग की भांति उछल कूद करने वाला बंदर होता है, शाखाओं पर मृग की भांति उछल कूद कौन करता है, बंदर। तिरंगा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का, तो ये ध्वज है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। खरोष्टी, जितनी भी लिपि होती है ना वो सब खर मतलब गधा, खर का मतलब होता है गधा, ओष्ट का मतलब होठ,
गधे के होठों जैसी टेढ़े मेढ़े वर्णों वाली जो लिपि है, जिसके वर्ण टेढ़े मेढ़े हैं गधे के होठों जैसे हैं, उसको क्या बोलते हैं? खरोष्ठी। लिपि शब्द कहीं भी आए, चाहे वो देवनागरी हो, चाहे वो खरोष्ठी हो, चाहे ब्राह्मी हो, चाहे कुटिल हो, चाहे सिद्ध मात्रा हो, चाहे गुप्त हो, चाहे रोमन हो, चाहे फारसी हो, चाहे मुंडिया हो, चाहे गुरुमुखी हो, समझ गए? चलिएगा। और यहां पर महामात्य महान है जो अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, मंत्री जो है ना उसकी विशेषता बताई गई है कि वो महान है, और जिसकी विशेषता बता दी जाती है वो समास कौन सा होता है? वो समास होता है कर्मधारय। इसलिए यहां पर ये चार आंसर सही था, समझ गए? चलिए, चौदवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। चौदवा प्रश्न, सीमा जी हंसी आई आपको, सीमा सोनी जी ऐसा क्या हुआ है? अभी बहुत लोग हैं नाम छोड़ के जाना है अपना, इंसान की खुशबू बनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। सीमा ऐसा काम करना है कि नाम छोड़ के जाए, इंसान की खुशबू बनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा तो रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। अभी देखो आपका दरबार है, मैं यहां पे खड़ा हूं, और भी टीचर्स आए हैं, जाए हैं, गए हैं पहले भी। इंसान की खुशबू बनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा तो रहता है, दरबार बदलते रहते हैं, और आए हो दुनिया में तो कुछ करते चलिए, बनते चलिए, क्योंकि बादशाहत बनी रहती है, बादशाह तो बदलते रहते हैं। चलिए ओके, तो यहां पर अब आपको जवाब देना है। चौदवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा प्रश्न, किसमें बहुव्रीहि समास है? नील गगन, नीलकंठ, नीलांबुज और नीलगाय। बहुव्रीहि आपको ढूंढना है, बहुत टेंशन वाला स्वभाव नहीं है, आराम से आप जवाब दे सकते हैं। पोल दे रहा हूं, चौदवा प्रश्न, ये रहा पोल। ममता चौधरी का सबसे पहले जवाब है जी, बहुव्रीहि समास आपको बताना है। नीलम शालनी, विजेश, कृष्णा, सुमन जाट, संतोष कंवर। हाँ भाई साहब, आयुष रंगी जी हैं, सब हैं। चलिए, वीरपुत्र जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और ये शालनी नंबर वन पर है जी, अभी सेकंड पर, और डिंपल तीसरे पर है, दिव्या चौथे पर है साहब। बहुव्रीहि समास किसमें? देखो, नीला है जो गगन कर्मधार है, नील है जो अंबुज कमल के लिए आया है कर्मधार है, नीली है जो गाय कर्मधार है, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव के लिए आया, सारी दुनिया जानती है, बहुत सिंपल प्रश्न था। चलिएगा, चौदवा प्रश्न हो चुका है, पंद्रवा प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं, समय कम हो गया है, ओहो टाइम का पता नहीं चलता, समय एंड हो गया है, 3 मिनट ज्यादा हो चुके, लास्ट प्रश्न आपके सामने है, लास्ट प्रश्न है, जवाब दीजिएगा और बस आज का जो क्विज का प्रोग्राम है खत्म करेंगे। सही सामासिक पद कौन सा है ये आपको बताना है, ओके? सही सामासिक पद आपको बताना है कि सही सामासिक पद कौन सा है। एक बात मैं आपको बोल देता हूं, मैं आपको जो है एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पीडीएफ था, आप कह रहे थे ना कि आप डेली भेजते हो, वो आज आपको अपलोड कर देता हूं मैं, ओके? आज अपलोड कर देता हूं ताकि जो है आपको, कौन सा वाला अपलोड करें, कोई सा अपलोड कर दें, संधि का कर देते हैं आपको, बोलो किसका करूं, संधि का, समास का, किसका, जल्दी बताओ किसका करूं, जो रोज आते हैं हम, आज का ही भेज दूं आपको। चलिए आज का भेज देता हूं, आज हमने जो दिया था ना, आज का भेज दें। ये देखो आपके सामने खुल रहा है, ओके? ये देखो आपके सामने खुल रहा है, इसको आप कर लेना, टिक कर लेना, ये पर डे का होता है, हम लोग देते हैं, हमारा पुराना है ये, लेकिन ये आज का है, ये आज का ही है, ओके? कोई नहीं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप लोग देख लेना यहां से, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और यहां पर
लास्ट प्रश्न है आपके सामने आज, ओके। चलिए तो लास्ट प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं, तैयार, समय लग रहा है इसमें। चलिए सही जवाब आपको देना है और लास्ट प्रश्न है आपके सामने, तैयार रहिएगा, जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए जी, सही सामासिक पद है हर हरि अर्जुन कृष्ण पिता माता और धर्मार्थ, ये रहा पोल, जवाब दीजिएगा 15% सही जवाब दो, हर हरि अर्जुन कृष्ण पिता माता और धर्मार्थ, ये रहा आपके सामने पोल, सही सामासिक पद कौन सा है। राजीव दीक्षित, अंजू का सबसे पहले जवाब, मुकेश, अवधेश, नीलम, विनय, शालिनी, संतोष, ओके। ओवरऑल अपडेट दिखाता हूं आपको, क्या है कहानी, कल आएंगे जी। शालिनी शर्मा जी, बधाई हो आपको, जीत चुकी हैं आप। मैं कहता हूं ना कि बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने हरदम नाम ही रोशन किया है, बनकर के मीराबाई जहर का प्याला पिया है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, झांसी की रानी बन अंग्रेजों से भिड़ी है। ऐस मानो से चिल्लर बन सारे जहां को जीत लाई, सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुर लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख है। और देखिए साबित कर दिखाया शालिनी शर्मा ने, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। अभी तक रॉकस्टार बहुत अच्छा आपका प्रयास, पहली क्लास इनकी थी और दूसरे पर है, गुड। डिंपल तिवारी जी तीसरे पर रही हैं आज, बहुत अच्छा आपने खेला। दिव्य राणा और आपके बीच बहुत कंपटीशन चला और आप दोनों बहुत खास भी हैं। दिव्य राणा जी जो है चौथे पे हैं, विनय गुप्ता जी पांचवें पर हैं, मधु कुमारी जी छठवें पे, अच्छा खेले। बिना जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, साधना जी और मीना जी अच्छा काम किया, जैसा इनका भाव है उसके अनुरूप नहीं कर पाए लेकिन अच्छा काम किया। मूलचंद जी जुड़े हैं लेकिन अब माफी चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। नितेश मेहा और ब्रजेश चौधरी भी टॉप 10 में हैं। चलिए यहां पर देखिए, हरी हर होता हर हरी नहीं होता, कृष्णार्जुन होता अर्जुन कृष्ण नहीं होता, माता पिता होता है स्त्री को पहले लिखते हैं, पिता माता नहीं होता, धर्मार्थ धर्म के लिए, धर्मार्थ का मतलब होता है धर्म के लिए। यहां पर ये चार आंसर सही था। किरण कंवर जी आप लेट आई हैं, मूलचंद राणा साहब इस पूरी क्लास को देखना, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत शानदार क्लास है महसूस होगा। और रेफरल कोड मेरा मानव 1985, अगर आप जो है ये बैच लेने चाहें, हमारे 28 सितंबर से 5 दिसंबर के बीच चल रहा है रीट लेवल पर हिंदी का, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, बस यही कहूंगा जाते जाते कि ताज बनकर जियो, जैसे कि शालिनी आज दिखाया, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगान बनकर जी, और नहीं पुजारी बनना है भगवान बनकर जी, ओके। थैंक यू, शुभ रात्रि, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन इस शो में पधारने के लिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, सब खैर, शुभ रात्रि।